So this is the greatest integer. It denotes the integral part of x belonging to real number. So gx is given to us as x minus greatest integer x, yani fractional part. Okay. Let fx be any continuous function with f of 0 equal to f of 1. Then the function h of x is equal to f of gx. इसके ऊपर अपने को कमेंट करना। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। Has finitely many discontinuities. Is discontinuous at x equal to c? Is continuous on R? Is a constant function? ठीक है। अब ध्यान से देखें, पहली बात तो एक चीज दिमाग में आ रही है कि gx के बारे में लिखा है x minus का greatest integer x। तो कंफर्म हो गया gx तो फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया। gx क्या बन गया? एक फ्रैक्शनल पार्ट। I'm directly coming to the solution so as to avoid the wastage of the time. Right. So gx is fractional part of x. अब हमसे क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया fx is any continuous function. ध्यान दे इस बात पे, डबल अंडरलाइन कर ले, continuous function है जहां पर f of 0 f of 1 के बराबर है. f of 0 जो है f of 1 के इक्वल है, तो हमने एक तरीके से one of the possible options ग्राफ का बना लिया. हमने कहा let the graph of fx is as shown. ठीक है ना, f of 0 यानी 0 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू बराबर आ रही है, और fx continuous function दिया गया. fx क्या दिया गया? continuous function दिया गया. तो हमने ये 0 पर और 1 पर हमने कहा भैया ये वैल्यू सेम आ गई, लेट अस सी. क्लियर है? इसमें हमारी मर्जी, हम फंक्शन का ग्राफ ये पॉसिबिलिटी भी बना सकते थे कि हमने ऐसा कुछ बना लिया. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट हमने ये शो करना था कि 0 पर ये f of 0 है, 0 पर और 1 पर वैल्यू सेम आ रही है. जस्ट वी वांटेड टू शो दिस थिंग. क्लियर? तो हमने यहां से दिखा दिया. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें कहा गया है कि 0 पर और 1 पर वैल्यू बराबर आ गई, और fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन मान लिया, तो हमने कंटीन्यूअस बना लिया फंक्शन. क्लियर? अब hx के ऊपर कमेंट करना है. hx इज व्हाट? इट इज f ऑफ gx. अब gx कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट x है, यानी f के अंदर में क्या इनपुट जा रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट x जा रहा है. अब हम एक चीज जानते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्लोज्ड 0 से लेकर के ओपन 1 के बीच में रहती है. जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसकी वैल्यू हमेशा क्लोज्ड 0 से लेकर के 1 के बीच में रहती है. तो अगर जैसे और 0 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू बराबर है, तो अब हम अगर x equal to 0 पर वैल्यू जानना चाहें, किसकी? hx की. तो h of 0 जैसा कि लिखा भी है यहां पर will be equal to f of the fractional part of 0, और fractional part of 0 is 0, यानी basically h of 0 जो है वो f of 0 के equal आ गया. h of 0 f of 0 के equal आ गया, और f of 0 और f of 1 दोनों बराबर है, ऐसा ऑलरेडी गिवन है हमें. क्लियर? तो ध्यान से देखें. और एक और बात, अगर मैं h ऑफ 1 की बात करूं तो f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट 1 का क्या होता है? 0 होता है. यानी ये भी f ऑफ 0 के इक्वल आ गया. और f ऑफ 0 बोल लो या f ऑफ 1 बोल लो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. चलिए आगे बात करते हैं. अब किसी और वैल्यू पर भी बात करते हैं. लेट अस से 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई और वैल्यू ले ली. फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने 0.2 ले लिया, तो 0.2 पर बात करूंगा तो मैं f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 की बात करूंगा. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 विल बी 0.2 इटसेल्फ, तो मतलब f ऑफ 0.2 होगा. ठीक, अब मैं 1 से बड़ा कोई नंबर लेकर के देखता हूं. ठीक है ना, जरूरी नहीं है हमने x की केवल 0 से 1 के बीच में वैल्यू पर ही बात करनी है, हमें तो 1 से बड़े नंबर पर भी बात करनी है. तो हमने लेटेस्ट से 1.5 पर बात कर ली, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में 1.5 आएगा, जिसकी वैल्यू 0.5 ही होगी. यानी h ऑफ 1.5 पर जो वैल्यू आ रही है वो f ऑफ 0.5 वैल्यू आ रही है. इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि x की कोई भी रियल वैल्यू इनपुट करूं h ऑफ x के अंदर में, जो f के अंदर में जो इनपुट आएगा, f के अंदर में जो इनपुट आएगा वो हमेशा वैल्यू 0 से लेकर के क्लोज 0 से लेकर के 1 के क्लोज 1 के बीच में ही रहेगी. इनफैक्ट ओपन 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इनपुट है f का, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट है वो क्लोज 0 से ओपन 1 ही रहेगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बार बार k
किसी भी एक्स पर इनपुट करने पर जो वैल्यू है वो रिपीट टेलीकास्ट करती चलेगी, यानी कहने का मतलब ध्यान से देखें, ग्राफ ऑफ एच एक्स का जो ग्राफ होगा वो पीरियोडिक ग्राफ होगा। ध्यान से देखिए, इस बात को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक ग्राफ होगा। क्यों पीरियोडिक होगा? क्योंकि भैया जीरो से लेकर के वन के बीच में जो भी इनपुट किया गया, मैंने कहा एच के अंदर में, वहां पर जो आउटपुट आया वो एफ के अंदर में इनपुट जीरो से वन के बीच में जो आया वही वैल्यूज आउटपुट आई उसकी, और एफ के अंदर में जीरो पर इनपुट ये रहा, जीरो पर आउटपुट ये रहा और वन पर आउटपुट ये रहा, और जीरो से वन के बीच में जो आउटपुट है दिस इज द वन। तो यानी अगर मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात ये कहूं आप लोगों से कि एच ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से लेकर के क्लोज्ड वन, केवल इस इंटरवल में बात करूं तो जो ग्राफ होगा एज इट इज हूबहू वही बना दूंगा मैं। ये देखो ध्यान से, जो मैंने हाईलाइट कर दिया अलग, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेसिकली दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो इटसेल्फ। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाटएवर द वैल्यू विल बी, आई डू नॉट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट द वैल्यू वाज, लेकिन वही की वही वैल्यू होगी। और इसी तरह ये वैल्यू वन पर भी वही की वही रहेगी, एफ ऑफ जीरो कहते हैं या एफ ऑफ वन कहते हैं एक ही बात है। और जैसा अभी अभी हमने एक्स की वैल्यू जब हमने वन से बड़ी इनपुट करके देखी, वन से बड़ी इनपुट करके देखी, जो एफ के अंदर में जो इनपुट आया वही आया जो जीरो से वन के बीच में आ रहा है, तो एज अ रिजल्ट फाइनली फिर मैं बोल सकता हूं कि वैल्यूज का रिपीट टेलीकास्ट शुरू होगा एज इट इज। तो यही कारण है हमने बोला ये एक पीरियोडिक ग्राफ होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट हमने देखा, ग्राफिकली हमें समझ में आ गया एच एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, विच इंप्लाइज द ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन ऑल और ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर कि एफ के जी का जो आउटपुट है वो एफ का इनपुट है, और अलग अलग एक्स पर हमने वैल्यूज इनपुट करके चेक करनी थी कि वैल्यू क्या आ रही है, और वहां से हमें आइडिया लग गया पीरियोडिसिटी का। इसकी पीरियोडिसिटी का एच एक्स की, जस्ट बाय ड्रॉइंग अ सिंपल ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। वेदर आई कैन टेक द ग्राफ, जैसा मैंने बोला अभी, दिस वन फॉर एफ एक्स और दिस वन, उससे कोई फर्क, और वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू मे वॉन्ट टू टेक द अनदर ग्राफ। से फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसका ग्राफ ऐसा लेना चाहता हूं, हार्डली मैटर्स, इंपॉर्टेंट है कि वो फंक्शन बस क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दिस इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन।